नमस्ते दीदी, अंकल जी हैं क्या घर में? तो फिर आ गया? अंकल जी से बात हो गई थी, एक बारी उनसे मिलना था। क्या हुआ सुची बेटा, कौन है? खुद ही आके देख लीजिए, ये फिर से पैसे मांगने आ गया। अरे सोहन बेटा, कैसे हो? आओ। पापा, आप इसके पैसे देके मदद क्यों करते रहते? क्या लगता है ये आपका? कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है ना, इसके पापा मेरे कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन अचानक उनकी डेथ के बाद इस फैमिली पे कितनी प्रॉब्लम आ गई। ऐसे में अगर हम इन्हें नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? पर हम क्यों देखेंगे पापा? और हमारे पास क्या बहुत सारे पैसे आ रहे हैं? और आपको पता है ना कि हमारा बिजनेस वैसे ही डाउन चल रहा है। देखो बेटा, मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमसे जितना हो सके हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए। तुम जाओ अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ उससे। आपको जो करना है आप करो। अंकल अभी मैं चलता हूँ, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। ये क्या बात हुई बेटा, चलो आओ अंदर आओ। एक बात बताओ, अगर मेरी जगह पर तुम्हारे पापा होते तो क्या वो सूची की हेल्प नहीं करते? आओ अंदर आओ बेटा। बैठो बेटा। मम्मी कैसी है बेटा? मम्मी ठीक है अंकल, डॉक्टर ने बाहर जाने से मना किया है। अच्छा अंकल, मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है तो मैं बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग आपसे कुछ बात करनी थी। सीधा सीधा कहना कि पैसे चाहिए, बात करने का नाटक क्या कर रहा है? सुची, मैं बात कर रहा हूँ ना। बेटा बिजनेस शुरू कर रहे हो तो कुछ पैसे वैसे भी चाहिए होंगे। हाँ अंकल, चाहिए तो 2 लाख रुपए, पर आप जितने दे देंगे उतनी मदद हो जाएगी। 2 लाख रुपए? यहाँ पे हमने कोई धर्मशाला खोल के रखा है कि जब मर्जी आए पैसे मांगने आ जाता है? सुची, चुप, बिल्कुल चुप, कॉलेज जाओ अपने। अंकल मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, तो इसमें परेशानी कैसे? तुम एक मिनट रुको, मैं भी आता हूं। पापा। सुची बेटा, तू आ गई? मैं तो आ गई, पर आप रो क्यों रहे हो? नहीं बेटा कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं पापा, बताइए मुझे क्या हुआ है? बेटा हमारा बिजनेस खत्म हो गया, अब मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ बेटा। हो सकता है कुछ दिनों में हमें ये मकान भी खाली करना पड़े। पर पापा आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। बेटा मुझे माफ कर देना, मेरे होते हुए तुम्हें ये दिन देखना। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मेरा कल इंटरव्यू का लास्ट राउंड है पापा, अगर वो क्लियर हो गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत मत हारिए प्लीज। सुचिता, आपका फाइनल इंटरव्यू सीईओ सर लेंगे, आप अंदर जा सकते हो। सर मे आई कम इन? यस। अरे दीदी आप? सोहम बैठिए ना। दीदी अंकल जी कैसे हैं? घर में सब ठीक है ना? और उनका बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या हुआ दीदी, आप परेशान दिख रही हैं। वो पापा का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया, शायद हमें घर भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं जॉब इंटरव्यू देने आई। दीदी मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि आपको जॉब दे सकूँ, पर अंकल के बिजनेस को बचाने के लिए मैं फंड ज़रूर कर सकता हूँ। पर आपको भी ये जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, आप
अंकल के साथ उनका बिजनेस संभालिए। सच में सोहम? हाँ दीदी, मुझे आज भी याद है जब पापा गुजर गए थे तो तब अंकल जी ही थे जिन्होंने हमारे परिवार का साथ दिया था, और जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तो अंकल जी ने ही मेरे बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए दिए थे। ये सारी सक्सेस उन्हीं की देन है। आज जब आप परेशानी में हैं तो मैं अपने कदम पीछे कैसे हटा सकता हूँ? ये सब मेरा फर्ज बनता है दीदी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अपनी प्रॉब्लम्स को बुला के दूसरों की हेल्प करना ही सबसे बड़ी ह्यूमैनिटी है। सो ऑलवेज कीप हेल्पिंग बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स अदर्स। दैट्स इट फॉर दिस फिल्म। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट वीक।